नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। वो बोले, पगड़ियां उछालने का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। वजीर आजम के पास करप्शन के सबूत है तो FIA और NAB को दे। नून लीग को झंझोड़ते हुए कहा कि सोग इतना लंबा नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का भी जवाबी वार सामने आया और कहा कि उनकी चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं, मगर एहतसाब जारी रहेगा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस पहले भी बने, उन्होंने जरूरतमंदाना तरीके से वो फेस किए। शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियां साहब खामोश हो गए हैं। हमारी आज भी ये दुआ कोशिश है कि ये कामयाब हो, ये मुल्क कामयाब हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने हुकूमत पर लफ्जों के गोले बरसा दिए। गोया गुफ्तगू के दौरान धुआं उठता दिखाई दिया। अपने कायद का भरपूर दिफा किया तो नून लीग को भी खूब झंझोड़ा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने बरसर इक्तदार जमात पर कीचड़ उछालने का इल्जाम आयद किया तो साथ ही हुक्मरानों को जाहिल भी करार दे दिया। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में अब बर्दाश्त की पॉलिटिक्स हो और हकायक की पॉलिटिक्स हो। सिर्फ ये है कि ये पगड़ियां उछालने वाला निजाम बंद हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को तनकीद का हदफ रखा। बोले, इमरान खान के पास कंटेनर वाली एक ही तकरीर है, चीन में भी सुनाई और अब UN में भी सुनाएंगे। आज भी कंटेनर पे खड़े वही तकरीर है, वो चाइना में भी वही करेंगे, वो जो सऊदी अरब में भी वही करेंगे, अगर UN में गए तब भी वही करेंगे, उनको उसके अलावा आता कुछ नहीं। कमर जमान कायरा ने नवाज शरीफ को भी खामोशी तोड़ने का मशवरा दिया। कहा, शहबाज शरीफ गिरफ्तार, नवाज शरीफ खामोश हैं, सोग इतना लंबा भी नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियाँ साहब खामोश हो गए, सोग बड़ा जितना भी हो इतना लंबा तो नहीं हुआ करता। स्टेट अफेयर्स बहरहाल अपनी जगह बड़े अहम होते हैं। तनकीद हो और कप्तान के खिलाड़ी चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने नाइटी रूनियों से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा को आईना दिखा दिया। बोले, इनकी लूट मार पर बात करें तो चीखें मरीख पर सुनाई देती हैं। देखिए जी, मुझे तो समझ नहीं आती, तो शायद मैं कहता ना कि मैं शब्द का भी मुजरिम हूँ, शहर का भी गुनाहगार, यारो मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। अब हम अगर बातें हैं तो ये कहते हैं कि ये NAB के स्पोक्स पर्सन है, NAB वाले बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब NAB को राइट हासिल नहीं है। अब इनकी करप्शन, इनकी बदयांती, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी लूटमार, इनकी किक बैक्स और इनकी लाजवाल ताबनाक किस्म की जो है वो करप्शन इन्होंने 10 साल की, अब उसका कुछ प्रतीत किसी ने तो करनी है ना। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि डिक्शनरी में करप्शन का लफ्ज लिखें तो आसिफ जरदारी का नाम आ जाता है, ये उनके किए धरे का नतीजा है। बर्मला जरदारी साहब कहते हैं, भाई जी मैंने अगर बनाए भी हैं जाली अकाउंट्स तो कौन साबित करेगा, साबित कर भी दिए तो क्या कर लेंगे। जिस पार्टी के लीडर का ये एटीट्यूड हो करप्शन और बदयांती के हवाले से और हराम माल के हवाले से और रियासत के पैसे की लुटमार के हवाले से। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कमर जमान कायरा की तरफ से करप्शन का दिफा अफसोसनाक है। आसिफ जरदारी चैनल्स पर बैठकर खुद अपनी करप्शन का इतराफ और उस पर रिठिटाई का मुजाहरा करते हैं।